हेलो स्टूडेंट्स, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म खान अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं प्रवीण कुमार श्योरण, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एक्सपर्ट, विगत 9-10 सालों से अध्यापन कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। बच्चों, अभी तक एक से 1.5 लाख बच्चों को ट्रेंड भी कर चुका हूँ। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम या क्रैक्स आरपीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये अनअकैडमी का एक इनिशिएटिव है। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसे आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर बच्चों आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और आपको अनलिमिटेड एक्सेस आपको प्राप्त होता है। तो ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, डेली लाइव क्लासेज होगी, तो आप एजुकेटर के साथ एंगेज रहेंगे, आप डिस्कशन कर सकते हैं एज ए ऑफलाइन की तरह आपकी क्लास होगी। लाइव टेस्ट होते हैं, ये अपने आपकी तैयारी का प्रिपरेशन, रेगुलर आपके मॉक टेस्ट होंगे एंड क्विजेज होती हैं, और आपको उसको डिटेल एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मीनिंग है सिलेबस ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जाता है और साथ में अनलिमिटेड एक्सेस आपको प्राप्त होता है। इंडिया के टॉप एजुकेटर होते हैं उनको आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अपकमिंग कोर्सेज के लिए ये कुछ एक्सपर्ट हैं, इनसे भी आप पढ़ सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट है, वो भी आपको अवेलेबल होता है। साथ में स्पेशल क्लासेज हैं, वो भी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, कुछ एक्सपर्ट हैं, इनसे आपकी स्पेशल क्लासेज हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है कि अनअकैडमी को रजिस्टर कैसे किया जाए, हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी, इसके लिए आपको ऐप स्टोर में जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल या डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद में बच्चों आपको आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन या प्लान दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपको आरपीएससी का प्लान दिखेगा, उसमें सबसे बेस्ट प्लान है बच्चों आपके लिए 12 मंथ का प्लान है जो 7,000 रुपये में है। बट आप मेरा रिफरल कोड यूज करते हैं लाइव पीएसएस, तो आपको फीस में 10% का 700 रुपये का डिस्काउंट होगा। तो इस प्रकार से ये आपको 6,300 रुपये में होगा पर मंथ, 525 रुपये का प्लान है लगभग। ठीक है, यानी 58% ऑफ हो गए 12 मंथ के लिए। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, एक साथ ज्यादा एजुकेशन में टाइम नहीं दे पाते पढ़ने के लिए, तो बच्चों वो 2 ईयर 24 मंथ का प्लान भी ले सकते हैं जो 9,100 रुपये के अंदर है। ठीक है, अगर मेरा रिफिल योर कोड यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट होने के बाद 910 रुपये लेस होगा, तो आपको ये 8,190 रुपये मिलता है, यानी पर मंथ 341 रुपये का प्लान है। ये उससे भी अच्छा प्लान है, 73% ऑफ इसमें। ठीक है, तो लाइव पीएसएस मेरा रिफिल कोड यूज करें और पेमेंट को प्रोसेस करें। आज का बच्चों जो टॉपिक है अपना, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है, आपके आरएस के लिए भी है, आरएस से भी यहाँ क्वेश्चन आया, पूछा हुआ एक बार। ठीक है, आरएस प्री के लिए है या आरएस मेंस में भी आ सकता है। ठीक है, और आपकी जो रिट पटवार है उसमें भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट साबित होगा ये। ठीक है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है तो आप ध्यान रखें। देखो बच्चों, अभी तक अपने यूट्यूब पे क्लासेज है वो बायोलॉजी की कंप्लीट हो चुकी है। बायोलॉजी आपको डिटेल पूरा पढ़ाया हुआ है, कुछ टॉपिक और है तो मैं पढ़ा दूंगा, लगभग पढ़ाए हुए हैं बहुत डिटेल से, आप देख सकते हैं वहां पे बच्चों। आरपीएससी के लिए या आरपीएससी आप करेंगे आरपीएससी और बायोलॉजी, ऐसे सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी प्रवीण कुमार के नाम से। ठीक है, तो आपको वहां पे डिटेल मिलेगा, सारी क्लासेज मिलेंगी, सेल से लेके सारी टॉपिक जो भी है। ठीक है, बायोलॉजी साथ में, अभी बच्चों केमिस्ट्री चल रही है तो केमिस्ट्री भी लगभग मैंने कंप्लीट करवा दिया है, 2-4-5 टॉपिक और बचे हैं, जैसे आपके पेस्टिसाइड हैं, वीडिसाइड हैं, कवकनाशी, कीटनाशी, वो बचे हैं। उसके बाद बच्चों मैं आपको एक सेगमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आरएस के लिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ठीक है ना, इसके बाद अपन इकोलॉजी और एनवायरमेंट का जो पोर्शन है बच्चों इसको भी अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसमें आरएस में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों। ठीक है, आईयूसीएन क्या है, रेड डाटा बुक क्या होती है, ठीक है, डेंजर्ड जो भी है, तो इसमें आपके जो विभिन्न कमी जो आपके, ठीक है, तो विभिन्न जो कमी अधिनियम भी बनाए हुए हैं ना क्लाइमेट को लेके या एनवायरमेंट के लिए जो है, उन सबको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जब सेगमेंट कंप्लीट होएगा तो उसके बाद अपन यूट्यूब इकोलॉजी और एनवायरमेंट का आपको पोर्शन जो स्पेशली आरएस प्री और मेंस में, प्री में भी आता है बच्चों और मेंस में हर बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, नेशनल जो भी है ना, नेशनल सेंचुरी है, उनके बारे में है, तो वो सारा का सारा अपन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बताया है। साथ में बच्चों अपनी स्पेशल क्लासेज भी चल रही है, स्पेशल क्लासेज है वो भी सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है,
स्पेशल क्लासेज, लाइव क्लासेज होती है, और वो आरएस के लिए है मॉर्निंग में 8 बजे से। जो आज तो किसी कारणवश से वो सेशन नहीं हो पाया, तो आप 8 से 9 1 घंटे के लिए उस सेशन को आप देख सकते हैं, ठीक है। स्पेशल क्लासेज है मॉर्निंग के टाइम 8 से 9, ठीक है बच्चों, इसको पढ़ सकते हैं। अब देखो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फूड प्रिजर्वेशन, कि खाद्य वस्तुएं जो होती हैं, आप जो खाने की वस्तुएं खाते हैं उनको लंबे समय तक खाने को कैसे बनाए रखें, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा इश्यू होता है बच्चों, आपको पता है ज्यादा लंबे टाइम तक अगर भोजन पड़ा रहता है तो बच्चों उसमें क्या होते हैं, कई बार तो आपने देखा बच्चों फफूंद लग जाती है, जैसे आप चपाती वगैरह देखते होंगे तो ज्यादा टाइम तक पड़ा रहता है तो उसके बच्चों फंगाई वगैरह लग जाती है, वाइट सी है ना, हल्के हल्के जो होते हैं फफूंद, फंगस बोलते हैं उसके, फफूंद लग जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से लंबे समय तक फूड को, खाद्य आपका जो फूड मटेरियल है, आपका फूड मटेरियल लॉन्ग टाइम तक कैसे रहे, सेफ कैसे रहे, यानी आपके पेट में कोई दिक्कत नहीं हो, आप में एसिडिटी नहीं करे, या आपके भोजन है वो फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाता है, ठीक है ना, भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग है, भोजन विषाक्तता है, उन घटनाओं को न हो, उसके लिए हमें क्या किया जाए, तो मैं बता रहा हूँ विभिन्न पदार्थों व विधियों का इसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। खाद्य वस्तुओं को लंबे समय तक खाने योग्य रखने के लिए बच्चों विभिन्न पदार्थों को और विधियों का, विभिन्न मेथड का प्रयोग होता है। अब बच्चों आप जो अधिकांश वस्तुएं खाते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, कार्बन होता है उसके अंदर, ठीक है, खाद्य पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थ होता है बच्चों उसमें कौन सी क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं होती रहती है, जैविक यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं आपको, जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी कह सकते हैं, बायोलॉजिकल, उनमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती रहती है, और अर्थात या आप ये भी कह सकते हो उनका डीकम्पोज होता रहता है, अपघटन क्रियाएं होती है, डीकम्पोज हो जाता है, डीकम्पोज होता रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसलिए वो जल्दी खराब हो जाती है बच्चों, ठीक है। यदि किसी विधि द्वारा इन जैविक क्रियाओं को या अपघटन की क्रियाओं को अगर रोक दिया जाए या अत्यंत कम कर दिया जाए तो खाद्य वस्तु है बच्चों वो लंबे समय तक आपकी खराब नहीं होती है, ठीक है। तो इस स्लाइड में अपन ने बच्चों चर्चा की है कि फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है कि आपका खाद्य सामग्री है उसको लंबे समय तक खाने योग्य बनाए रखने के लिए। अब अधिकांश वस्तुएं मैंने आपको बताई है कार्बनिक होती है, देखें कि अधिकांश वस्तुएं कार्बनिक पदार्थ की होती हैं और उनमें जैविक क्रियाएं होती रहती हैं, बायोलॉजिकल क्रियाएं या अपघटन, अपघटन का मतलब होता है उनके अंदर टूटने की, डीकम्पोज की घटनाएं, तो इससे वो जल्दी खराब हो जाती हैं। तो किस प्रकार से जैविक क्रियाओं को और अपघटन की क्रियाओं को कम किया जाए, इसे किस प्रकार से कम किया जाए, ठीक है, ये बात है। तो देखो बच्चों फूड प्रिजर्वेशन के लिए जो मेन मेथड है वो ये है, पहली है बाई रेफ्रिजरेशन, प्रशीतन के द्वारा, दूसरा बाई बॉइलिंग, उबाल करके, और तीसरा बच्चों गाढ़े घोल में रखकर। ये तीन मेथड होती हैं, एक तो बाई रेफ्रिजरेशन बच्चों, एक उबाल कर, कई वस्तुओं को आप देखते हैं उबाल लेते हैं बच्चों, सब्जियों को अच्छे से बॉइल किया, या कई वस्तुएं पानी को उबाल के पीते हो वो खराब नहीं होता, ठीक है, और भी जैसे कोई भी वस्तु का है ना, पानी तो चलो पानी में तो जर्म्स मारते हैं, जो भी है मतलब आप कई चीजें होती हैं उनको उबाल कर, दूध को भी उबाल कर पीते हैं, ठीक है। फिर गाढ़े घोल में बच्चों, नमक के घोल में, जैसे नमक का घोल होता है बच्चों, आजकल जैसे कोरोना चल रहा है तो बच्चों हमें सब्जियां वगैरह मार्केट से लाते हैं उनको नमक के घोल में, नमक का घोल होता है उसमें थोड़ी देर रखना चाहिए सब्जियों को। इसी प्रकार चीनी का घोल होता है बच्चों, शुगर चीनी का घोल है उसमें भी रख देते हैं, जैसे आपका अचार वगैरह मुरब्बा डालते हैं वो चीनी के घोल में डालते हैं, कई दिन तक खराब नहीं होता है, ठीक है, तो गाढ़े घोल में रख देते हैं। तेल का घोल भी हो सकता है बच्चों, तेल में भी डाल देते हैं, तेल भी हो गया, तेल भी बचाता है, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इसके लिए सबसे पहले बाई रेफ्रिजरेशन, आपको पता है जो रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है आपका एक बहुत ही लो टेम्परेचर, लो का मतलब होता है जो निम्न ताप का मतलब होता है ज्यादा ठंडाई पे, तो लो टेम्परेचर क्या होता है, -2.2 डिग्री से लेकर के 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है ना, 16 हमारा शरीर का तापमान कितना होता है बच्चों 37 डिग्री, तो इस आपको पता है फ्रीजर के अंदर अलग अलग पॉइंट होते हैं, तो बच्चों -2 डिग्री इसमें तो कुल मतलब क्या होता है, आपको पता है 0 डिग्री पे ही बच्चों बर्फ बन जाती है, तो ये माइनस में तो बहुत निम्न ताप होता है, लेकिन नॉर्मली 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 16 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उस पे रखते हैं। अब जीरो पे भी बच्चों बर्फ जम जाती है तो आपका हर पदार्थ खराब हो जाता है, आपने देखा होगा बच्चों कोल्ड स्टोरेज में क्या होती है, सब्जियां कई दिनों तक खराब नहीं होती, फल और सब्जियां रखते हैं, बट लेकिन बच्चों समस्या ये हो रही है कि कोल्ड स्टोरेज के अंदर केमिकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, केमिकल का रासायनिक केमिकल पदार्थ होते हैं, उन केमिकल पदार्थों से हमारे अंदर कैंसर की संभावना हो जाती है,
कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है कि बहुत दिनों तक पदार्थ रखते हैं, साथ में केमिकल का भी यूज होता है, तो वो केमिकल होते हैं बच्चों वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, और केमिकल से आपको पता है आपके शरीर में एक नई जो बीमारी पैदा हो रही है उसका नाम है बच्चों कैंसर, ठीक है, तो केमिकल युक्त होता है। दूसरा आपके घरों में बच्चों रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रीज होता है, ठीक है। अब कोल्ड स्टोरेज होते हैं बच्चों वहां पे टेम्परेचर बहुत लो टेम्परेचर होता है, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज होता है, कोल्ड स्टोरेज में बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, यानी आप कह सकते हैं कि -2.2 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री तक, है ना, 0 डिग्री होता है, तो वहां पे ज्यादा बर्फ भी जम जाती है। लेकिन आपका जो घरों में फ्रीज होता है बच्चों वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री इस पे होता है, यानी बर्फ हम बर्फ बर्फ के लिए अलग से होता है रेफ्री कूलिंग, ठीक है, फ्रीजर अलग होता है, तो ज्यादा टेम्प करेंगे तो इस तरीके से। तो इस तापमान पे बच्चों आप क्या करते हैं, अच्छा फ्रीज में आपके घरों में सब्जियां वगैरह रख देते हैं तो वो भी खराब नहीं होती है, दूध वगैरह रख देते हैं बच्चों वो भी नहीं खराब होता। फिर आप जानते हैं बच्चों जैसे दही है, दही ज्यादा खट्टा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है बच्चों दही को आपने मान लो रेफ्रिजरेटर में रखा, तो दही में क्या होता है बच्चों जो बैक्टीरिया होता है, कौन सा दही होता है, दूध का दही बनता है, बैक्टीरिया कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस। तो उस रेफ्रिजरेटर के तापमान पे लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है उसकी जो ग्रोथ हो जाती है वो कम हो जाती है, अर्थात उसके डिवीजन कम होंगे। जैसे मान लो एक है, एक से दो होते हैं, दो से फिर चार होते हैं, चार से आठ होते हैं, तो क्या होगा कि जब आप फ्रीजर में रखोगे बच्चों तो वो दही खट्टा कम होता है। जैसे मान लो ये गर्मी है, इस गर्मी के अंदर तो आप जैसे उसको बाहर रखेंगे तो बहुत ज्यादा बच्चों बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाते हैं, वो बैक्टीरिया तो वो खट्टा बहुत हो जाता है, तो खाने योग्य नहीं रह जाता, ठीक है ना। तो फ्रीजर में आप रखते हैं तो उस टेम्परेचर पर 0 डिग्री या 5 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, है ना, तो उस पर क्या होती है उस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाती है। तो निम्न तापमान पर जीवाणु या अपघटन जो होता है सूक्ष्म जीव की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, ठीक है बच्चों। एक याद रखेंगे कि आपके जो फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं या जो आपके रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, निम्न तापमान के ऊपर, याद रखें कि निम्न तापमान पर जीवाणु या अपघटक जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव है वो वृद्धि नहीं कर पाते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सूक्ष्म जीव है बच्चों उनकी वृद्धि है वो रुक जाती है, ठीक है। सूक्ष्म जीव है उसकी वृद्धि क्या होगी बच्चों, रुक जाती है। इसलिए आपके जो भी खाद्य पदार्थ है वो आपका फ्रीज में खाद्य पदार्थ है वो फ्रीज में आपका बच्चों सुरक्षित रहता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। खाद्य पदार्थ होगा वो फ्रीज में सुरक्षित रहेगा। दूसरा बच्चों बाय बॉइलिंग, मैंने बताया था उबाल करके, कोई भी चीज को उबाल कर। अब बच्चों जब किसी चीज को आप उबालते हो, मान लो आपको पता है बच्चों दूध है, मान लो आप फ्रिज में नहीं रख रहे हैं, लेकिन जैसे मान लो अभी गर्मी में आपने जैसे दूध का लिया, गाय भैंस का दूध लेते हैं बच्चों, अब गाय भैंस का दूध बच्चों अगर आप उसको बॉइल जब तक नहीं करेंगे, अब जैसे आपको पता है एक तो पास्चराइजेशन प्रोसेस है, जैसे आप सरस डेयरी से लाते हैं, डेयरी का दूध है बच्चों उसको तो आप बिना गर्म भी पी सकते हैं। जैसे डेयरी का दूध आप लाए और लाते बच्चों आपको लिखा रहता है उसके ऊपर पास्चराइज, है ना, पास्चुरीकृत होता है दूध। पाश्चुरीकृत क्या होता है बच्चों, मैं बताऊंगा उसको आगे की, आगे लिखा हुआ है पाश्चुराइजेशन प्रोसेस होती है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें क्या करेंगे, इसमें मिल्क और जो भी होता है ना उसको एकदम हीट करते हैं, पहले तो गर्म करते हैं और फिर अचानक ही उसको क्या करते हैं बच्चों, उसको ठंडा भी किया जाता है, वो प्रोसेस होती है, मैं बता दूंगा आपको। तो आपका जो डेयरी का जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे अमूल है या आपका सरस है या आपकी जो भी मदर डेयरी है, इनके दूध आप जब भी लाते हैं बच्चों तो आप उनको तुरंत पी सकते हैं बिना बॉईल किए हुए। क्यों? क्योंकि बच्चों उनके अंदर जीवाणु यानी पास्चराइजेशन प्रोसेस के द्वारा यानी जीवाणु जो होते हैं वो नष्ट किए हुए होते हैं, जीवाणु नहीं होते उसके अंदर। लेकिन बच्चों आप गाय भैंस का दूध लाते हैं उसको मैं तो सलाह यही दूंगा कि बिना बॉइल करे नहीं पिए, और वर्तमान में तो नहीं, क्योंकि आपको पता है मान लो जहां से दूध आपका आ रहा है बच्चों, हो सकता है वो दूध जहां से आया वो कोरोना से इन्फेक्टेड हो, ठीक है, और आप जो डेयरी से भी दूध ला रहे हैं बच्चों उसके पाउच भी, उसके पाउच को भी बाहर क्या करेंगे, नमक के घोल में या अच्छे से साफ करें आपके सरफ से, है ना, डिटर्जेंट से साफ कर सकते हैं, या आप नमक के पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो थैली है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी आपकी, साफ हो जाएगी। तो गाय भैंस का दूध है बच्चों उसको तो आपको बॉईल करना ही होगा। अब मान लो इतनी गर्मी है, मान लो बच्चों मैं देखा होगा तो इस गर्मी में आपको उसने अच्छे से गर्म किया तो वो शाम तक दूध खराब नहीं होता है, और अगर आप उबालेंगे नहीं तो बच्चों दोपहर के बाद ही उसमें क्या हो जाएगा, जीवाणु पैदा हो जाते हैं, जीवाणु खराब कर देते हैं। तो हाई टेम्परेचर पे बच्चों जब आप बॉईल करते हो तो बॉईल करने पे आपके बच्चों जीवाणु है, सारे जो बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाते हैं, जीवाणु है नष्ट। तो बच्चों अभी कोरोना के माहौल में आप, मेरी तो यही सलाह है कि चाहे आप डेयरी का दूध पिए या अपने गाय भैंस का पिए तो उसको याद रखें आप उस दूध के को या तो अच्छे से बॉईल करके पिए गाय भैंस के दूध को, तो और अगर डेयरी से लेके आते हैं जो पैक्ड होता है थैली, जो पैकेट आते हैं आधा किलो, आधा लीटर, एक लीटर, तो उसको आप बाहर से अच्छी तरीके से वॉश करके यूज करें बच्चों, हो सकता है कि कोई भी वायरस वगैरह है वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है।
तो बॉइलिंग प्रोसेस होती है उससे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। उबालने योग्य पदार्थ, पहले देखा होगा बच्चों, पहले के टाइम में देखा होगा आपने गांव के अंदर देखते थे जो पहलवान वगैरह होते थे या पहले जैसे वर्क ज्यादा करते थे तो बच्चों जो ही दूध निकालते थे दूध को तुरंत पीते थे। अब दूध को तुरंत पीते हैं बच्चों तब तो उसमें जर्म्स नहीं होते हैं, ध्यान रखना। जैसे दूध को जो ही पशु के स्तनों से निकाला, स्तन से निकलने के बाद उसमें जर्म्स नहीं होते हैं, बट जो ही वो आधा एक घंटा रहेगा बच्चों उसके अंदर जर्म्स पैदा हो जाते हैं, इसलिए आप तुरंत निकाल सकते हैं। लेकिन अभी कोरोना के माहौल में ऐसा नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं करें कि आप दूध को तुरंत नहीं पिए, बिना बॉइल करे चाहे तुरंत वैस से निकालने के बाद भी नहीं हो सकता है। उस आपको पता है वायरस होता है ये, उसके लिए जो आपके पशु हैं वो नॉन लिविंग माध्यम हो गए एक तरह से वहां पे है, और वायरस वहां से होता है वह आपकी बॉडी के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल अच्छे से बॉईल करके दूध के पिए जब तक कोरोना है, उसके बाद आप हो सकता है तुरंत निकाले तो वो पी सकते हैं, ज्यादा पौष्टिक होता है। क्यों? क्योंकि आपको ये भी पता है कोई भी चीज जब उबालते हैं बच्चों, उबालने के बाद उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं बच्चों, वो आपके खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बात है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उबालने योग्य पदार्थ उबालकर भी खराब होने से बचा सकते हैं, जैसे दूध और पके तरल भोजन को। फिर आपको बता बच्चों, जैसे आप सब्जियां भी पकाते हो, सब्जियों को पका के खाते हो बच्चों, ठीक है। तो ये अब बच्चों बॉइलिंग के लिए कई प्रोसेस है, बॉइलिंग का एक तो पास्चराइजेशन प्रोसेस होती है, एक ब्लेंचिंग होती है, एक आपकी स्टेरिलाइजेशन होता है बच्चों, है ना। जैसे आप स्टेरिलाइज भी करते हैं, जैसे आपने आपके जो होते हैं स्टेनलेस स्टील के औजार होते हैं, जैसे सर्जरी करते हैं बच्चों स्टेनलेस स्टील, तो आपने देखा होगा बच्चों वहां पे लिखा रहता है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, उन सभी को स्टेरिलाइज किया जाता है, यानी ताकि वहां पे जर्म्स आपके पैदा नहीं हो। पास्चराइजेशन प्रोसेस आगे मैंने आपको बताया, ठीक है। पास्चराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, इन विच वाटर एंड सर्टेन पैकेज्ड, इसमें बच्चों पानी को वाटर एंड सर्टेन पैकेज्ड और नॉन पैकेज्ड जो फूड है, यानी पैकेट पैकेट युक्त और बिना पैकेट, जो खाद्य सामग्री होती है, ठीक है, खाद्य सामग्री बोलेंगे, सच एज मिल्क, जैसे आपका दूध वगैरह बच्चों, जैसे आप कह दोगे दूध है, या आपके फ्रूट जूस है, जैसे आप पीते हो बच्चों फ्रूट जूस मार्केट के अंदर, जैसे पैकेट वाले फ्रूट जूस है, अब वो भी बच्चों पास्टराइज होके आते हैं, ठीक है। तो आपके सच एज मिल्क एंड फ्रूट जूस आर ट्रीटेड माइल्ड हीट, ठीक है, माइल्ड हीट होता है बच्चों, यानी उसमें क्या होता है बच्चों, एक हल्का लोट यानी हीट गर्म करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। माइल्ड का मतलब होता है बच्चों धीरे धीरे, कम तापमान पर, यानी धीरे धीरे उबालते हैं उसको, धीरे धीरे कम तापमान पर, ज्यादा तापमान नहीं करते, कम तापमान पर, और कई देर तक उबाला जाता है, कई देर तक, यही होता है बच्चों, है ना, कई देर तक उसको, यूजुअली टू लेस देन, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री से कम बच्चों, बहुत ज्यादा, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जिसपे पानी बॉयल होता है, उससे बहुत कम तापमान पे धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और फारेनहाइट में बोले तो बच्चों कितना होता है, 212 डिग्री फारेनहाइट पे उसको क्या करते हैं, एलिमिनेट्स करते हैं, ताकि उसके अंदर जो पैथोजन होते हैं, पैथोजन क्या होते हैं बच्चों, रोगकारी होते हैं, पैथोजन्स होते हैं और जो अन्य पदार्थ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको पता लग गया बच्चों, आपके मार्केट में जैसे रियल जूस वगैरह आते हैं, या जितने भी डिब्बाबंद पैकेट जो आते हैं, लिक्विड वगैरह आते हैं, ठीक है, आपका जितनी भी खाद्य सामग्री होती है। फिर बच्चों आपने देखा होगा कई बार कुछ आपके जैसे बेकरी वगैरह होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके जैसे बेकरी वगैरह के प्रोडक्ट आते हैं, बेकरी वगैरह है देखना, उनके पाउच बच्चों फुले रहते हैं, पाउच है, उनमें बच्चों नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, क्योंकि आपको पता है बच्चों नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है वो भी बच्चों क्या करती है, नाइट्रोजन गैस परिरक्षक के रूप में काम करती है, परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव होती है। तो आप देखेंगे कुछ बेकरी के सामान है, जैसे आपकी ब्रिटानिया की केक वगैरह है, या आप जो भी ये ब्रेड वगैरह लेते हो बच्चों, ब्रेड है ना, आपकी केक वगैरह होती है, इन सबको, इनके पैकेट होते हैं फुले रहते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरते हैं, और नाइट्रोजन गैस है बच्चों ये भी एक प्रिजर्वेटिव के रूप में भी कार्य करती है, ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस वो भी प्रिजर्वेटिव है, याद करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों आगे, उसके बाद बच्चों पास्चराइजेशन के टाइप में अलग अलग, ठीक है, मैं पास्चराइजेशन बता रहा हूँ। पास्चराइजेशन द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ पास्चराइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट होता है बच्चों आपके यूनाइटेड स्टेट के अंदर, यानी ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटिश के अंदर, यूनाइटेड, सॉरी, यूनाइटेड यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट दोनों के अंदर, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट तो आप क्या बोल देते हैं बच्चों, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका बोलो, यूएसए बोल दो, और चाहे उसी को यूनाइटेड स्टेट बोलो। दूसरा यूनाइटेड किंगडम है, ये ब्रिटेन के लिए बच्चों, ठीक है। तो वहां पे जो प्रोसेस है, वहां पे बच्चों जो काम में ली जाती है, वो है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HTST। तो ये कई बार पूछ लेते हैं बच्चों, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, इसमें क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे कम और कम समय के लिए, देखो शॉर्ट टाइम मतलब कम समय, उच्च तापमान पर, उच्च तापमान
और कम समय पर पास्चराइज करते हैं, विच यूज इसमें क्या करते हैं, मेटल प्लेट का यूज होता है एंड हॉट वाटर होता है, और वो हॉट वाटर क्या करता है, रेज मिल्क टेम्परेचर, जो क्या करता है, हॉट वाटर होता है जो वो रे क्या करेगा, मिल्क का तापमान बढ़ा देता है एटलीस्ट 161 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है 161, देखो बच्चों वहां तो ठीक है 161 डिग्री फॉर हॉट लेस देन 15 सेकंड, और इसमें मैंने कहा था ना बच्चों इसमें टाइम कम है, 15 सेकंड के लिए इसमें फॉलो करते हैं भाई, रैपिड कूलिंग करते हैं और उसके बाद उसको तुरंत ही ठंडा कर देते हैं बच्चों। ये है आपकी HTST, H का मतलब बच्चों हाई टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर हाई रखा जाता है लेकिन किसके लिए बच्चों, शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है बच्चों ये ध्यान रखेंगे, ये पास्चराइजेशन का ही प्रकार है। उसके बाद देखो बच्चों मिल्क का पास्चराइजेशन करते हैं, तो ये मिल्क के पास्चराइजेशन की एक विधि है बच्चों, देखो इसमें आपने देखा होगा बच्चों 118 डिग्री सेंटीग्रेड है बच्चों, प्रोटीन बीइंग टू डीनेचर, ठीक है। उसके बाद बच्चों 118 से टेम्परेचर देखो बढ़ रहा है बच्चों, टेम्परेचर लगभग 150 डिग्री टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे ये पास्चराइजेशन है बच्चों। मोर एंजाइम एंड प्रोटीन रिमेन इनएक्ट विद मिल्क इन हीटेड बिलो दिस टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद जैसे 161 है बच्चों, ये हाई टेम्परेचर होता है, ये डेंजर होता है बच्चों, इस पे इतने ज्यादा टेम्परेचर पे इसमें एंजाइम नष्ट हो जाते हैं और आपका जो हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो भी बच्चों खत्म हो जाते हैं, तो दिस मिल्क इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, ये मिल्क आपको पचता नहीं है। इसके ज्यादा बच्चों और ज्यादा हाई टेम्परेचर 280 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप करते हैं बच्चों, वो अल्ट्रा पास्चराइजेशन होता है, इसमें क्या होते हैं, किल्स पोटेंशियली हार्मफुल बैक्टीरिया इन द मिल्क, बट आल्सो अच्छे जो विटामिन मिनरल होते हैं वो सब ओरिजिनली मिल्क से क्या हो जाते हैं बच्चों, नष्ट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जितना टेम्परेचर है आपका यहाँ तक 150 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे पहले भी बताया था मैंने बच्चों 100 डिग्री तक आपका ठीक है, 100 डिग्री तक आप करते हैं, 100-150 है ये प्रोसेस यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके बाद ये रेड जोन में आता है बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे ये खतरनाक है बच्चों, ये टेम्परेचर यानी 150 से लेके 280 टेम्परेचर पे आप अगर उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे आप प्लांट में करते हैं तो वो हमारे लिए प्रोसेस होता है, ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इसमें बच्चों आपको यह बताया जा रहा है कि जितना हाई टेम्परेचर होगा, इसमें यह बताया जा रहा है कि जितना उच्च तापमान होगा, अगर आप उच्च तापमान पर पास्चराइजेशन करते हैं, उच्च तापमान पर अगर पास्चुरीकरण की क्रिया करते हैं, जैसे 161 डिग्री से लेकर के 280 डिग्री सेंटीग्रेड, 280 डिग्री सेंटीग्रेड यानी आप 150 से ऊपर टेम्परेचर पे जाते हैं बच्चों, तो वो हाई टेम्परेचर होता है और 161 के टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर है वो डेंजर होता है, खतरनाक होता है, यानी इसमें जो हार्मफुल जर्म्स तो नष्ट होते हैं लेकिन दूध के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं जो पचाने में है मदद करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जो उसके सूक्ष्म जीव होते हैं और प्रोटीन जो होती है बच्चों वो भी डैमेज हो जाती है और वो दूध आप फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अल्ट्रा पास्चराइजेशन है वो 280 डिग्री के टेम्परेचर पे, ये उससे भी खतरनाक है, इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया जरूर मरते हैं बट आपको क्या करते हैं, आल्सो डैमेज ऑल ऑफ द विटामिन दूध की मिनरल्स खनिज लवण और अन्य जो लवण होते हैं न्यूट्रिएंट पोषक तत्व ओरिजिनल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो 118 डिग्री होता है बच्चों प्रोटीन बिगेन, 118 टेम्परेचर से ज्यादा, देखो पहले भी मैंने बताया आपको लगभग आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है, तो पास्चराइजेशन की प्रोसेस है बच्चों उसमें लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठीक है, अगर आप 100 डिग्री से ज्यादा ऊपर जाते हैं 100 पे बॉयल हो जाता है, 100 डिग्री से ऊपर जाएंगे बच्चों जैसे 118 डिग्री मान लो, 118 पे भी आपकी जो प्रोटीन होती है वो बच्चों वीकर तो जाती है, ठीक है। तो 100 डिग्री के अंडर में करते हैं पास्चराइजेशन प्रोसेस, ये ध्यान रखेंगे, ज्यादा हाई टेम्परेचर नुकसानदायक होता है बच्चों। उसके बाद ये उसके बाद बच्चों आपके यहां पे 7 वेरियस मेथड हैं पास्चराइजेशन की, ठीक है, यहाँ पे 7 विभिन्न विधियां हैं, जैसे पहली है बैच पास्चराइजेशन है बच्चों, उसी को बोलते हैं लो टेम्परेचर, है ना, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम तक रखते हैं, इसको बोलते हैं लो टेम्परेचर
लॉन्ग टाइम पास्टराइजेशन, देखो लो टेम्परेचर, एलटी मतलब लो टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कम रखना चाहिए। देखो सबसे बढ़िया मेथड है लो टेम्परेचर पे और लॉन्ग टाइम तक, लंबे टाइम तक उसको पास्टराइजेशन करना। दूसरा मैंने अभी बताया था आपके यूएसए के अंदर होती है बच्चों जो है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर करते हैं लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। फिर एक होता है वैक्यूम पास्टराइजेशन, ये भी मेथड है। एक फ्लैश पास्टराइजेशन होती है, एक अल्ट्रा हाई हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट होता है, एक अल्ट्रा पास्टराइजेशन होता है, उसे उपेराइजेशन भी बोलते हैं, एक स्टेशनाइजेशन भी होता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ है तो ध्यान रखें, कई बार पूछ लेते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो दो ही है बच्चों, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। लो टेम्परेचर होगा बच्चों, जब लो टेम्परेचर होगा तब तो आपको लॉन्ग टाइम रखना पड़ेगा, याद रखें। और जब हाई टेम्परेचर करेंगे आप, हाई टेम्परेचर, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर करोगे वो शॉर्ट टाइम होगा, और लो टेम्परेचर वो लॉन्ग टाइम के लिए होगा। ये दो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। डिफरेंट मेथड है, ये मैंने बताई दी आपको बच्चों। अच्छा, लो टेम्परेचर होता है बच्चों, उसमें क्या करते हैं, लो टेम्परेचर में क्या करेंगे, लगभग टेम्परेचर कितना, 63 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लो है, और लगभग कितनी देर तक, लो टेम्परेचर होता है तो उसमें लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो इसमें कितने, 30 मिनट के लिए, ठीक है बच्चों। तो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम होता है, तो लो टेम्परेचर लगभग बच्चों 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, और टाइम कितना बच्चों, लगभग 30 मिनट, आधा घंटा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा बच्चों जो हाई टेम्परेचर वाला है, कलर बदलते हैं थोड़ा, दूसरा हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर बच्चों इसमें 60 से ऊपर लेते हैं, जैसे 71 डिग्री से लेकर के, ठीक है, 71 डिग्री से 100 डिग्री तक, 71 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और लेकिन शॉर्ट टाइम, टाइम कम होता है बच्चों, 15 सेकंड के लिए करते हैं, ये 15 सेकंड है, ठीक है। तो आपको अंतर समझ में आ रहा है बच्चों एकदम बिल्कुल, कि लॉन्ग जो टाइम होगा उसमें बच्चों टेम्परेचर लो रखना होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये हाई टेम्परेचर हो गया, तो आपके पास दो विधियां आ गई, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ठीक है, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर इसका मतलब है लो, कम तापमान, कम तापमान, और लॉन्ग टाइम, समय ज्यादा, ये बता दिया मैंने। जैसे लॉन्ग लॉन्ग लो टेम्परेचर कितना बच्चों, लगभग 60 डिग्री के आसपास, है ना, और टाइम कितना लगता है उसमें, आधा घंटा, आधा घंटा, ठीक है। दूसरा जो बच्चों है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, अब हाई टेम्परेचर कितना होता है इसके अंदर बच्चों, 60 से ज्यादा, यानी 70 के आसपास, 70 से 100 डिग्री तक होता है, ठीक है, और शॉर्ट टाइम होता है बच्चों 15 सेकंड के लिए, 15, ये है बच्चों HTST, ठीक है। एक होता है बच्चों अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, देखो पीछे भी बताया हुआ है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाला UHT, ठीक है, अगला है UHT, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, 138 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों, ये बच्चों इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, हाई टेम्परेचर होता है और वेरी शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर और भी ज्यादा टेम्परेचर, लेकिन टाइम और भी कम है बच्चों, इसमें 2 सेकंड होता है। एक्सट्रीम पास्टराइजेशन है, किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीपिंग मिल्क इन ए क्लोज्ड स्टेराइल कंटेनर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, ये सबसे बेस्ट मेथड है बच्चों, ठीक है, ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर है, ठीक है। अल्ट्रा मैंने बताया था बच्चों, अल्ट्रा का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर का हाई होना, देखो ये अल्ट्रा, अल्ट्रा का मतलब होता है टेम्परेचर ज्यादा हो जाना, ठीक है, तो ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ये बता दिया। अब बच्चों ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम होता है, उसमें 63 डिग्री या, है ना, और 30 मिनट के लिए होता है ना, लॉन्ग लो लो टेम्परेचर होगा, कम तापमान है, लेकिन टाइम उसमें ज्यादा चाहिए, 30 मिनट के लिए। हाई टेम्परेचर है 72 डिग्री, 100 डिग्री के आसपास है, 15 सेकंड, और अल्ट्रा पास्टराइजेशन में 138 डिग्री, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है लेकिन 2 ही सेकंड के लिए होता है, और एक अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट है उसमें बच्चों और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, 140 डिग्री है और 1 से 4 सेकंड के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये चारों याद रखेंगे आप, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ठीक है, पहले का मतलब लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, दूसरा मतलब हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ठीक है। पहले टेम्परेचर की चर्चा होती है बच्चों, याद रखें, ठीक है, पहले टेम्परेचर है, ठीक है, ये दो विधियां हैं, उसके बाद ये अल्ट्रा पास्टराइजेशन, एक अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, अभी बताया था, पीछे भी बताया था, अल्ट्रा, ये अल्ट्रा हाई ट्रीटमेंट भी है, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट भी है, ठीक है, तो ये अल्ट्रा, तो इसी को बच्चों अभी जो पढ़ा था ना आपने, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ये वही है, ठीक है, ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, इसको भी बोलते हैं अल्ट्रा, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। देखो यहाँ पे एच का मतलब है हाई, और यहाँ पे यूएसटी का अल्ट्रा हीट है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर करेंगे, वो भी यूएसटी है, उसको यूएसटी का एक, और अल्ट्रा पास्टराइजेशन भी बोलते हैं। अब जो मेथड पास्टराइजेशन में क्या करते हैं बच्चों, देखो मैं बता देता हूँ, मिल्क पास्टराइजेशन में क्या होता है, देर आर 4 कॉमन टाइप ऑफ मिल्क पास्टराइजेशन
और ये वेरी करता है यहाँ पे टेम्परेचर, वेरी विद टेम्परेचर एंड टाइम। यहाँ पे मतलब दो चीजें चेंज होती हैं, एक तो टाइम और एक टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर की चर्चा हो रही है ना, टेम्परेचर और टाइम दोनों वेरी करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था बच्चों आपको HTST, हाई टेम्परेचर होता है, शॉर्ट टाइम होता है, ठीक है, पहले बता दिया। एक अल्ट्रा पास्चुराइजेशन है, इसी को आपने कहा था, क्या कहा था, अल्ट्रा हीट ट्रीट, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, एक अल्ट्रा हाई टेम्परेचर और एक अल्ट्रा पास्चुराइजेशन, ठीक है, ये चार है। अदर मेथड भी होते हैं उसमें, जो फ्लैश पास्चुराइजेशन है, स्टीम पास्चुराइजेशन है, इरेडिएशन पास्चुराइजेशन होता है, ठीक है बच्चों। अपने यहाँ पे बच्चों कौन सी मेथड काम में लेती है ज्यादातर, लॉन्ग है ना, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, अपने यहाँ पे ये ज्यादा काम में लेते हैं, है ना, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम वाला, अपने भारत के अंदर लो टेम्परेचर पे और लॉन्ग टाइम तक पास्चुराइजेशन किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब ये पास्चुराइजेशन की प्रोसेस है बच्चों, पास्चुराइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, देखो मिल्क इंटर किया जाता है, यहाँ पे मिल्क इंटर है, एंजाइम द पाइप वाया मिल्क इज फुल वर्किंग कंडीशन, यहाँ पे एंजाइम है वो फुल वर्क कर रहे हैं बच्चों। उसके बाद ये यहाँ पे हीटिंग होता है बच्चों, हीट किया जाता है फिर, ठीक है, मिल्क एंटर होगा, एंजाइम्स होते हैं, द पाइप वाया मिल्क इज फुल वर्किंग कंडीशन, इसमें एंजाइम होते हैं, फिर हीटिंग किया जाता है, व्हेन द एंजाइम गो थ्रू हीट ट्रीटमेंट दे आर डीनेचर्ड। लेकिन बच्चों इसके अंदर एंजाइम होते हैं वो क्या करें, हाँ, जो दूध में एंजाइम होते हैं वो क्या हो रहे हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं बच्चों, एंड बिकेम अनेबल टू फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद हीटिंग होती है, हीट करते हैं, मैंने कहा था भारत के अंदर तो क्या होता है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम होता है, और अगर अमेरिका के अंदर हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, HT शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो इस प्रकार से हीटिंग के बाद में बच्चों कूलिंग प्रोसेस होती है, कूलिंग प्रोसेस में क्या होते हैं, एंजाइम कंटिन्यू टू कूलिंग ट्रीटमेंट एंड स्टिल अनेबल टू फंक्शन इन द प्रोसेस हेल्पिंग बैक्टीरिया टू ग्रो, इसमें बैक्टीरिया वापस ग्रो कर जाते हैं और ये मिल्क फिर छोड़ देते हैं, तो कई दिन तक खराब नहीं होता है, ठीक है बच्चों। ये मिल्क का इंटर हुआ और इसमें पहले हीटिंग करते हैं, हीट करने के लिए मैंने कहा था भारत के अंदर टेम्परेचर कम टेम्परेचर पे कई देर तक किया जाता है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, और इन वर्ल्ड आपके USA वगैरह है, UK वगैरह, वहां पे हाई टेम्परेचर कम टाइम के लिए, ठीक है। और अच्छा मेथड ये है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, उसके बाद उसका कूलिंग होता है और ये पास्चुराइज हो गया, ठीक है। पास्चुराइज प्रोसेस होने के बाद में बच्चों आपको घर पे उस चीज को बिना दूध को गर्म किए भी आप पी सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ सारा, कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम कुकिंग मीट प्रोडक्ट है, ठीक है। कुछ मैं बता देता हूँ, हीटिंग टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, एक तो जैसे बल्क लिक्विड को पास्चुराइजेशन कहते हैं, बड़े लेवल पे जैसे आप करते हैं तो 63 डिग्री पे, भारत के अंदर बच्चों मैंने कहा था ना लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर है कितना है 63 डिग्री, लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम हो गया 30 मिनट तक बच्चों भारत के अंदर, ठीक है। तो 30 मिनट तक पानी उसको गर्म करते हैं, दूध को बच्चों अपने यहाँ पे जो होते हैं ना दूध, उसको वाष्प पैस्चुराइजेशन, इसमें दूध का प्रयोग होता है, जैसे आपकी जो सरस वगैरह है, आपकी अमूल है, या आपका जो मदर डेयरी है, ठीक है, ये सारे के सारे बच्चों जो होते हैं ये इसी मेथड के द्वारा इसको करते हैं, ठीक है, 63 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और 30 मिनट तक गर्म करते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में 63 से ज्यादा 70 80 90 पे, और बच्चों कम से कम 10 15 सेकंड के लिए, शॉर्ट टाइम, ये कंटिन्यूसली पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क फॉर सेफ्टी, ठीक है, ये आपकी मैंने बताया अमेरिका वगैरह में। कुकिंग ऑफ मीट प्रोडक्ट, अब मीट प्रोडक्ट होते हैं वो बच्चों 65 से 75 डिग्री के ऊपर इंटरनल टेम्परेचर पे रेडी टू ईट ईट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, मीट है आपके है, इन सबको है। ब्लेंचिंग ऑफ वेजिटेबल, सब्जियां होती हैं बच्चों उनको आप वेजिटेबल उनको 5 मिनट तक 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, इससे जो उसमें एंजाइम जो डीएक्टिवेशन एंजाइम है, टिश्यू सॉफ्ट हो जाता है, एंजाइम में डीएक्टिव हो जाता है, हानिकारक जो भी एंजाइम है वो नष्ट हो जाते हैं। और इन बॉटल बॉटल के अंदर जो बॉटल प्रोडक्ट होते हैं ना, बॉटल वगैरह लेते हैं जो भी है, वो बच्चों 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट तक गर्म करते हैं, ठीक है ना, जैसे आपकी सेल्फ लाइफ एक्सटेंशन ऑफ बियर वगैरह है, या और जो आपके जो भी प्रोडक्ट लेते हैं वो सब इसमें होते हैं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों एक मैंने कहा था आपका कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट का मतलब होता है बच्चों सांद्र घोल, और सांद्र का मतलब वो होता है बच्चों जिसमें पानी की मात्रा तो कम हो, पानी, और पानी क्या होता है बच्चों, पानी देखो किसी भी विलयन में, मैं आपको बता देता हूं, पहले भी बताया था कि जो विलयन होता है सॉल्यूशन, उसके दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, एक होता है बच्चों विलेय और दूसरा होता है विलायक, ठीक है। विलेय वो होता है बच्चों जिसके जैसे आपने विलेय जैसे आपने कोई भी लिया, गाढ़ा घोलना, चीनी है, चीनी और चीनी किसमें मिलाई, पानी, तो पानी यहाँ पे क्या हो गया बच्चों
विलायक हो गया। तो चीनी की, अच्छा जब क्या होता है बच्चों, जब विलयन के अंदर विलेय की मात्रा जब ज्यादा होगी, विलेय ज्यादा होता है, विलेय ज्यादा होगा बच्चों तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी, तो वो क्या होता है, गाढ़ा होता है, उसी को बोलते हैं बच्चों सांद्र। सांद्र का मतलब होता है जिसके अंदर विलेय की मात्रा ज्यादा हो, सोल्यूट ज्यादा होता है। तो बच्चों जैसे आपके पास मान लो ये है, तो चीनी उसमें ज्यादा है, चीनी की मात्रा ज्यादा डाल दी आपने, या नमक उसमें ज्यादा डाल दिया आपने और पानी कम डाल दिया, पानी क्या होता है विलायक होता है जो बोलता है, ठीक है। तो बच्चों गाढ़ा घोल होता है जिसमें, गाढ़े घोल में क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, डीएक्टिव हो जाते हैं बच्चों, बैक्टीरिया है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे नमक का घोल, तो नमक का घोल होता है 15 से 20% विलयन, चीनी का घोल होता है बच्चों, ठीक है, तो नमक के गाढ़े घोल के अंदर बच्चों अचार वगैरह रखते हैं, आपको पता है अचार में नमक ज्यादा डालते हैं ताकि खराब नहीं हो, चीनी के गाढ़े घोल में बच्चों मुरब्बा वगैरह होता है, आंवला वगैरह मुरब्बा वगैरह रखते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस गाढ़े घोल के अंदर क्या होते हैं बच्चों, कोई भी कीटाणु है वो पनपता नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखेंगे बच्चों, कुछ दुर्बल अम्ल भी होते हैं, जैसे आपको पढ़ाया था मैंने तनु अम्ल होते हैं, जो तनु, वो तनु होते हैं, उनका प्रयोग भी खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। जैसे एक तो सिरका, सिरका भी एक अम्ल है, मैंने कहा था कार्बनिक अम्ल होते हैं, वो दुर्बल होते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 और HNO3, ये तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जिनमें भी कार्बन होता है जैसे CH3COH, एसिटिक एसिड कार्बन वाला, सिट्रिक एसिड, एक ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन में एक कार्बन को, एक हाइड्रोजन को उठा के ये लगा दिया COH, बेंजोइक एसिड, यानी कार्बन युक्त जो होते हैं, बेंजोइक एसिड होता है, या सोडियम बेंजोइट, सबसे बेस्ट तो ये होते हैं बच्चों बेंजोइक अम्ल और सोडियम बेंजोइट, ये दोनों भी बच्चों परिरक्षक के रूप में काम करते हैं। सिरका वगैरह ये भी परिरक्षक में है, मैंने बताया था बच्चों, पहले भी बता चुका हूँ, सिरका क्या होता है, गन्ने के किण्वन से प्राप्त होता है, गन्ना है उसके किण्वन से बच्चों सिरका प्राप्त होता है, और सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों, CH3COH होता है, ये होता है सिरका, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसी को बोलते हैं बच्चों एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आरएस में भी आया था, मैंने पहले भी बताया था, तो सिरका है बच्चों जिसमें भी कार्बन होता है, ये बच्चों वीक एसिड होते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको, दुर्बल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, कार्बन वाले जितने भी होते हैं, देखो इनमें कार्बन नहीं है ना, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तीन ही होते हैं, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रबल अम्ल बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल, ठीक है। इसके अलावा जो कार्बन ये वाले होते हैं बच्चों, ठीक है, तो इनका भी प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको प्रिजर्वेशन की प्रोसेस बताई है बच्चों, पास्टराइजेशन क्या होता है सारी बता दी, आपके आरएस प्री में भी आ सकता है बच्चों क्वेश्चन, आरएस मेंस में भी बन जाता, बन सकता है, जैसे लॉन्ग टाइम लो टेम्परेचर, नहीं लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ठीक है, एक तो एल टी, एल टी है ना, एल पहले का, ए का मतलब लो टेम्परेचर, टेम्परेचर लो होगा लेकिन टाइम लंबा टाइम होगा, लॉन्ग टाइम, मैंने कहा था बच्चों इसमें कितने डिग्री पे, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और टाइम कितना लगभग बच्चों, 30 मिनट, यानी आधा घंटा, लगभग आधा घंटा लगता है। दूसरा होता है एच, हाई टेम्परेचर, एस टी, पहले में टेम्परेचर यानी लॉन्ग की जगह क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और दूसरे में एस का मतलब बच्चों शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्ट टाइम के अंदर होता है। तो हाई टेम्परेचर मैंने बताया था बच्चों 70 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक है, और शॉर्ट टाइम कितना होता है बच्चों 2 से 4 सेकंड तक, ठीक है, ये अमेरिका वगैरह में होते हैं। तो ये एल टी, एल टी ये याद रखना, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ये वाला गया, ठीक है बच्चों। तो या अपने ये केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, उसके बाद इकोलॉजी एनवायरमेंट अपने स्टार्ट करेंगे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करो, और मैंने आपको बताया था अपनी लाइव क्लास भी चल रही है बच्चों, लाइव क्लास है मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग के अंदर 8 बजे से 8 AM से 9 PM तक, 1 घंटे की है बच्चों। सभी जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो, और आप फ्री ऑफ कोर्स वो लाइव क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है, स्पेशली आरएस के लिए है, लेकिन आप किरीट पटवार के बच्चे भी देख सकते हैं, सेल बायोलॉजी चल रहा है उसमें गुणसूत्र वगैरह पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, डीएनए पढ़ाऊंगा, डीएनए आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका, केंद्रक में डीएनए है, आरएनए है, क्रोमोजोम है, उनके बारे में चल रही है, ठीक है बच्चों। तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करो, मेरा रिफिल कोड है लाइव PSH, इसका यूज करने पर 10% डिस्काउंट होगा, और बेल बटन को प्रेस करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चों, थैंक यू।